नेचुरल हनी हैज़ वराइटीज़, सिंथेटिक हनी डज नॉट। यहाँ पे बोर्ड पे पहले मैं लिख दिया, क्योंकि अगर हनी नेचुरल होगा तो उसमें वराइटीज़ ज़रूर होंगे। नेचुरल हनी कभी भी एक जैसा फैक्ट्री में बना हुआ शहद नहीं हो सकता। हर इलाके का शहद फूलों की निस्बत से अलग अलग ही होता है। तो हम यहाँ पर नेकलेस रोड पे नर्सरी मेले में एग्जीबिशन में यहाँ पे फिर से स्टॉल लगाए। हम एक हमारा स्टॉल तो नामपल्ली एग्जीबिशन में है, नुमाइश में वहाँ पे, और 15 फरवरी तक वहाँ पे एग्जीबिशन चलेगा। यहाँ पे 5 दिन का एग्जीबिशन है, 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक। तो यहाँ पे भी हम सेम इंतज़ाम किए हैं टेस्ट कराने का, क्योंकि मुख्तलिफ अकसाम पूरे मुल्क से हम शहद इकट्ठा करके लाए हैं। तो ये आपको मौका मिल रहा है साल में एक बार के आप हर इलाके का शहद यहाँ पे हमारे पास टेस्ट कर सकते हैं। आप लेना चाहे या कुछ डाउट है तो कभी भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेस्ट के लिए इंतज़ाम किए हैं, कोई भी आकर आप हर किस्म का शहद टेस्ट कर सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पे लगाया हूँ, मल्टीफ्लोरा हनी, कश्मीर हनी, वाइल्ड बी फॉरेस्ट हनी, जामुन हनी, अजवाइन हनी, सिद्र हनी, लीची हनी। हर शहद की जिधर भी निकलता है उसकी अपनी अपनी खसूसियत होती है। जिस तरीके से अजवाइन हनी, अजवाइन की जब खेती होती है तो वहाँ पर हम बी बॉक्सेस लगाते हैं। वो बॉक्सेस में उसके फ्लावरिंग सीज़न के टाइम पे जो भी शहद जमा हुआ उसको अजवाइन हनी बोलेंगे। इसका अजवाइन का छोटा फूल होता है, वाइट कलर का फूल होता है, लेकिन उसका जब शहद निकलता है तो डार्क कलर का शहद निकलता। इसका टेस्ट एरोमा बिल्कुल यूनिक रहता। मैं समझता हूँ इस हमारे अलावा और कहीं आपको इतना अजवाइन का हनी नहीं मिल सकता, क्योंकि हम इंडिया के हर हर वो इलाके में जाते हैं जहाँ पर भी शहद निकलता है, जो बिल्कुल अनोखी अकसाम है वो लेके आके हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। जैसा ये है जामुन हनी, जामुन हनी इस किसका है, मतलब ये बॉक्सेस वाला नहीं होता, ये जो है ना जो ट्राइबल्स निकालते वो हनी है, मतलब ये स्क्वीज़ हनी बोलते, और एक नाम इसका स्क्वीज़ हनी है, मतलब जब शहद को निचोड़ देते तो वैसा हनी है। तो जब भी आप याद रखें कि अगर वाइल्ड बी हनी है, मतलब निचोड़ा हुआ शहद है, तो कभी भी ट्रांसपेरेंट या शाइनिंग नहीं हो सकता। उसमें पोलन, बी पोलन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए थोड़ा टर्बिड होगा। तो आप ये आप हमारा शहद खाकर देखें तो इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होगी और शुगर पेशेंट के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो इसके जंगली बेर का शहद होता है, सिद्र हनी नाम अरबिक है, ये गल्फ़ कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी होता है। आप अगर नाम सुने होंगे यमनी सिद्र हनी, तो आप वो टेस्ट से रिलेट कर सकते हैं। यही एक्सपोर्ट होके कहीं आपको 5-6 हज़ार रुपये किलो में ये शहद मिलता, आप हमारे शहद टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 900 रुपीज़ केजी है। उसके अलावा लीची के गार्डन, वहाँ का शहद है ये लीची हनी। इसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीटिश और एरोमा बिल्कुल डेलिकेट अच्छे से रहता। तो ये इस तरीके के जो भी नेचुरल हनी होंगे हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से हम लाके आप तक पहुँचाते हैं। सिर्फ हमारी बात पे भरोसा करने के बदल आप ये देख सकते हैं कि हमारा रियल नंबर होगा, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने हर लेबल पे लिखते हैं ₹10,000 रिवॉर्ड इफ़ एनी अडल्ट्रेशन इज़ फाउंड। हमारे शहद में किसी भी किस्म की मिलावट पाई गई तो हम हर बॉटल पे ₹10,000 देने के लिए तैयार है, अलॉन्ग विद द लेबॉरेटरी चार्जेस, जो भी लेबॉरेटरी में आप डिस्प्रूव करेंगे। इसके अलावा हम आप देखेंगे कि हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं आप, ये जर्मन लैब का इंटरटेक में टेस्ट किया हुआ शहद रहता, मतलब ये बिल्कुल हाईएस्ट स्टैंडर्ड है वर्ल्ड लेवल पे। अगर कोई भी हनी को आपको एक्सपोर्ट करना है तो कंपलसरी में टेस्ट करवाना होता है। तो हम हमारे सारे शहद इंटरटेक में टेस्ट करवाते हैं, और इसके रिपोर्ट्स आप bharathani.com पे तफसीली देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा शहद को अमेज़न पे भी ले सकते हैं। अमेज़न पे हमारा top 10 सेलिंग ब्रांड है। आप उस पे भी हमारे जो भी जो कंज्यूमर है उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं कि लोग हमारे शहद के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारा यहाँ पे मैंने कंपैरिजन भी दे दिया है कि कमर्शियल हनी क्या है और भारत हनी क्या है। कमर्शियल हनी इज़ ऑफन अडल्ट्रेटेड विथ राइस सिरप। अभी जो ज़्यादा अडल्ट्रेशन चल रहा बड़े जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट में, वो है राइस सिरप का अडल्ट्रेशन। इसका एक्सपोजर भी कई दफ़ा हो चुका है, इसके में न्यूज़ भी मैंने यहाँ पे लगाए हैं। जैसा 10 out of 13 ब्रांड फेल है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है कि 10 out of 13 ब्रांड फेल प्यूरिटी टेस्ट, लीडिंग हनी ब्रांड्स अडल्ट्रेटेड FDA, एक्सपर्ट साउंड कॉशन FDA फाइंड्स 52 out of 86 हनी अडल्ट्रेटेड। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का है, और ये सब इसीलिए हो रहा है, इसका भी मैं एक न्यूज़ दिया हूँ कि इंडियन टेस्टिंग पैरामीटर्स स्टैंडर्ड्स आर नॉट गुड इनफ, दैट इज़ व्हाई मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर देयर इन इंडिया हु फेल्ड इन एडवांस टेस्टिंग डन इन जर्मनी। इसका एक बिल्कुल डिटेल वीडियो आप इस QR कोड पर स्कैन करके देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल भारत हनी हैदराबाद में। अक्सर लोग समझते हैं कि शहद को आसानी से टेस्ट करके प्योरिटी उसकी जानी जा सकती है, जैसे लोग समझते हैं कि पानी में डालकर या जो है सुना
उसका नोट पे जला के कपड़े पे बहा के, ये बिल्कुल मिसलीडिंग टेस्ट है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उसके गाढ़ेपन की और मॉइस्चर कंटेंट का टेस्ट करते हैं, प्यूरिटी का बिल्कुल टेस्ट नहीं करते। अगर उतना ही आसान होता तो बाज़ार में जो 80% नकली शहद चल रहा है उसको आसानी से हम पकड़ के रोक सकते थे, वो बिल्कुल नामुमकिन है। इसे सिर्फ आप हायर लेबोरेटरी टेस्ट इंटरटेक जर्मनी वगैरह में आप मालूम कर सकते हैं। और मोर ओवर हर एरिया का हनी अलग अलग होता है, और जो अलग अलग हनी जो मैं बोल रहा हूँ उसकी कंफर्मेशन भी आप CBRTI पुणे में करवा सकते हैं। अगर आप उसका अगर पोलन टेस्ट करेंगे माइक्रोस्कोपिक, तो आपको बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा कि किस इलाके का शहद है। जैसा कई इलाके का शहद नहीं होते पे भी लोग बेचते हैं, जैसा जो मोनोफ्लोरल हनी, मतलब 50% कोई एरिया में एक ही फ्लावर है तो जिसको मोनोफ्लोरल नहीं बोलते, सब फूलों का पॉसिबल नहीं है। जैसा कई लोग धोखा देकर नीम का हनी बेचते हैं, वो धोखेबाजी है, और लोटस हनी बोल के बेचते हैं वो धोखेबाजी है, सैफ्रॉन हनी बोल के बेचते हैं वो धोखेबाजी है। तो जो जो पॉसिबल है मोनोफ्लोरल हनी वो हमारे पास मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई धोखा दे के बेच रहा है नीम हनी, तो उसको आप अगर मालूम करना है तो CBRTI पुणे में टेस्ट करवा के मालूम कर सकते हैं, वो धोखेबाज। मेरे ऑफिस का फ़ोन नंबर मेरा 9399951704 है। इसके अलावा वेबसाइट है हमारी bharathani.com। आप कभी भी साल भर में मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और आपको जो भी डाउट है शहद के बारे में वो मेरे से क्लियर कर सकते हैं। अगर हमारे ऑफिस पे जहाँ पे पैकिंग होती वहाँ पे भी आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। जो भी आप सही मालूमात रखें, सिर्फ मालूमात हासिल करें, हमारे से शहद ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शहद के बारे में धोखा मत खाएं। उसी लिए हम इतना सब डिस्प्ले लगाए हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शहद के बारे में जो धोखा दही है आप उससे रुक जाएँ, एटलीस्ट हमारे मालूमात रखे, लेना है जो वही ले सकते।